रक्षा कीजिए माँ, मेरे स्वामी कठिनाई में है माँ, दया कीजिए। अपना वचन निभाऊंगी मैं रक्षा करूंगी तुम्हारे सुहाग की। ओ माँ, ये तुमने क्या कर दिया। आज से जानिए कैसे बने मूषक गजानन के वाहन। अप्सराओं को क्यों सता रहे हैं आप? तू है वो बालक जिसने सिंदूरा का वध किया, और पताल लोक को आतंकित किया। बालक हो तुम, मनोरंजन तो अवश्य पाएगा तुम्हें। तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे साथ मनोरंजन करूंगा, और फिर तुम्हारा वध, अति आनंद प्राप्त होगा मुझे, अति आनंद प्राप्त होगा मुझे। हाँ बालक, उसके पहले मुझे पकड़ने का अवसर मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। अच्छा, पकड़म पकड़ाई। अरे वाह असुर जी, ये तो बहुत उत्तम क्रीड़ा सुझाई है आपने, अद्भुत मनोरंजन होगा। चूहा बिल्ला की क्रीड़ा में तो बहुत आनंद आएगा। फिर चूहे के मनोरंजन के लिए बड़े बिल्ले को बुला लेता हूँ, क्यों, उचित है ना असुर जी? मेरी माँ का प्रिय वाहन सोम नंदी जी। ये किसकी धार थी? क्या देखकर इतनी प्रसन्न हो रही हैं ये अप्सराएं? देखा मैंने, जैसे स्वामी पे कोई महासंकट छाया है। सोम नंदी जी, मुक्त कीजिए स्वर्ग को इस दुष्ट के आतंक से। कैसे करूं इस सिंह का सामना? अब तो यहां से भागने में ही भला ही है। ये तो अपने वास्तविक रूप में आ गए। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? कहीं आपकी जिह्वा तो नहीं दब गई इनके पंजों से? एक बार मुक्त हो जाऊं तो फिर इसके हाथ नहीं आऊंगा। चित्कार सुनाई थी माता, उनके प्राण संकट में है माता, उनकी सहायता कीजिए माता, उनकी सहायता कीजिए। मैं हूं ना पुत्री सुवेनी, तुम्हें मेरा वरदान प्राप्त है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता?
मेरी मुशक सेना। शक्ति को कम समझने की भूल कर बैठा मैं बालक, किंतु अब मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी मुशक सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। सोमनंदी जी, ये तो हमें ही चुनौती दे रहे हैं। आक्रमण करो। सोमनंदी जी, रुकिए सोमनंदी जी, अब मैं करता हूँ इनका उपाय। की सेना तो पाताल की अग्नि में भस्म हो गई है सुर जी, अब क्या करेंगे आप? बड़ा मायावी है ये बालक, अपनी माया से मेरी सेना को नष्ट कर दिया। शीघ्र इसका कोई उपाय करना होगा मुझे। अरे ये तो अब मेरी ओर ही बढ़ रहा है। मुझे वचन दिया था आप मेरी सहायता करेंगी। मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए माता, मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए। Thank you.
कैसा अनर्थ हो गया। गजानन तो पृथ्वी के अंधकारमय गहराई में गिर गए। अब क्या होगा? पुत्री सुवेनी, रक्षा करूंगी मैं तुम्हारे पति की। वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है माँ, किंतु एक दृश्य उभरा था मेरे नेत्रों के समक्ष, जैसे कोई विकराल सिंह उनके प्राण लेना चाहता है। तुम्हारे पति का ये युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। दोनों अब मैं क्या करूं? पुत्री सुवेनी, तुम्हारे पति का युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। तो क्या हुआ माँ? मैंने भक्ति की है आपकी, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप मेरे सुहाग की रक्षा अवश्य करेंगी। पुत्री सुवेनी, मेरे पुत्र गजानन का जन्म मेरे कठोर तप का परिणाम है। तुम मुझे इसके विरुद्ध जाने के लिए कह रही हो? तो मेरे सुहाग का क्या होगा माँ? क्या आपका तप मेरे तप से बड़ा है? यदि आपको अपना वचन रखना ही नहीं था तो मुझे वरदान क्यों दिया माँ? क्यों दिया? अपने वचन को मिथ्या मत होने दीजिए माँ, मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ पार्वती, चिंतित क्यों हो? स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त? आपके मुख के भाव से मैं ये समझ गई, जान गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। अपना वचन निभाऊंगी मैं रक्षा करूंगी तुम्हारे सुहाग की।
भीतर खोह में चले गए हैं। अब इन्हें कैसे बाहर निकालूं मैं? सोमनंदी जी, चिंता मत कीजिए, इसका उपाय भी है मेरे पास। तुम्हें क्या लगा, बहुत चतुर हो तुम? बिल में आ जाने से तुम सुरक्षित हो जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सोमनंदी जी, इतना परिश्रम किया है आपने, भूख भी लगी होगी आपको, तो इसे अपना भोजन बना लीजिए। शीघ्र अपना वचन निभाकर मेरे स्वामी को सुरक्षित कीजिए। इस असुर को मुक्त कर दो सोमनंदी। अरे सोमनंदी ने इसे जाने क्यों दिया? पुत्री सुवेनी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारे पति को अपनी भूल समझ आ चुकी होगी और वो उद्दंडता त्याग कर गजानन के समक्ष नतमस्तक होगा। यहाँ तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ सोमनंदी, अब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सोमनंदी जी अचानक इस प्रकार कहाँ चले गए? ओ, समझा, हो सकता है माँ ने किसी कार्य से बुलाया हो उन्हें। तुम्हारा मित्र तो तुम्हें छोड़कर भाग गया बालक, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और इसके फूल कि तुम किसी और को बुलाओ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मेरी माँ की ढाल आपकी गदा से मेरी रक्षा करेगी। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के दिए हुए अस्त्र शस्त्र होंगे, पर भूलो मत बालक, चोरी मेरा स्वभाव है। देवताओं से चोरी किए उनके सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास। सुरजी, चोरी से कोई लाभ नहीं हुआ ना आपको? किंतु अब इस क्रीड़ा का अंत
होना ही चाहिए। इतना सरल नहीं है मुशिकासुर को पराजित करना बालक। तुम्हारा सामना करने के लिए मुशिकासुर तैयार है। गया ये बालक। तुम देवताओं के अस्त्रों से मैं तुम्हें पराजित करूंगा बालक। अच्छा मेरा दिव्य कवच है, ये मेरी रक्षा करेगा, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। माँ के इस खड़क से भेद दूंगा आपके इस कवच को मैं। मेरा खड़क व्यर्थ हो गया ना तुम्हारा खड़क का प्रहार। क्या कहा था मैंने, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, दिव्य कवच है ये मेरा। स्वामी को क्षमा कर दीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए माता। पुत्री सुवेनी, मैं तुम्हारे पति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, किंतु ये गजानन के विरुद्ध होगा। मेरा ये शस्त्र निष्फल हुआ तो क्या, इस बार मैं अनेकों शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते बालक। अब मैं ही शस्त्र बनूंगा इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए। भी कर लो तुम कभी सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। मेरे दंत का वार इस कवच पर प्रभावी हो सका है, अब मैं अपने दंत को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा।
यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र सफल नहीं हुए, तू अपने टूटे हुए दांत का प्रयोग करेगा बालक। गणेशा, गणेशा, दिव्य कवच। अब मैं आपको यमलोक भेजूंगा दुष्ट मूसिकासुर। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, यमलोक नहीं जाना चाहता। मैं भागकर अपनी रक्षा करूंगा। ये गजदन तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है, कैसे छुटकारा पाऊं इससे, कैसे करूं अपनी रक्षा में? यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। ये कैसे संभव है? मेरी पत्नी को तो माता का वरदान प्राप्त है, तो मैं यहाँ सुरक्षित कैसे हो सकता हूँ? सहायता करूं मेरी, कोई तो सहायता करे। सहायता की गुहार लगा रहे हैं माँ, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। उचित है माँ, या तो मेरे स्वामी की रक्षा करके अपने वचन का पालन कीजिए, या फिर मेरे पति की मृत्यु के साथ साथ मेरे मृत्यु का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लीजिए। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त? उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है। रुको पुत्री सुवेनी। मुझे क्षमा करना पुत्र गजानन, रक्षा रक्षा, कोई रक्षा करो मेरी। मूसिकासुर सुरक्षित, मूसिकासुर सुरक्षित।
माता पार्वती का कंगन मुशिकासुर की रक्षा कर रहा, वो भी अपने ही पुत्र गजानन के विरुद्ध। अब तो स्वयं प्रभु महादेव को ही कुछ करना होगा। उमा, ये तुमने क्या कर दिया? उमा, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। मैं आपको चेतावनी देती हूँ, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस मत कीजिएगा। विवश कर रही हो तुम मुझे अपने पुत्र की सहायता करने के लिए। कल से देखिए कैसे मूषक पर सवार हुए गजानन और कैसे बनाया उसे अपना वाहन।